हेलो दोस्तों, तो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे इन्फ्लेशन से रिलेटेड, जो कि आपके CUET MA इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, हो सकता है कि इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए आपके पेपर में। तो फर्स्ट जो आपका जो टर्म है डिस इन्फ्लेशन, यानि डिस इन्फ्लेशन क्या होता है? तो डिस इन्फ्लेशन जब इन्फ्लेशन का रेट गिरने लगता है, सपोज़ इन्फ्लेशन पहले 4% से बढ़ रहा था, आपका 4% से इंक्रीज़ कर रहा था, अचानक से इसका जो रेट है वो गिर के 2% हो जाए, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है पर उसका रेट सिर्फ गिर गया है आपका पहले 4 से 2% पे आ गया, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिस इन्फ्लेशन। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस इन्फ्लेशन। डीफ्लेशन क्या होता है? तो डीफ्लेशन जो है एक अपोजिट आपका, जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है कि हम देखते हैं कि जनरल इंक्रीमेंट इन द प्राइस लेवल, जब आपका कीमत में लगातार जो है इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो डीफ्लेशन जो होता है इसमें क्या होता है कि प्राइस लेवल लगातार डिक्रीज करने लगती है, यानी नेगेटिव इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, डीफ्लेशन होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन का अपोजिट डीफ्लेशन, ये याद रखिएगा, यहाँ पर DE लिखा हुआ है, ना कि डिस। डिस इन्फ्लेशन में रेट रिडक्शन होता है, पर यहाँ पर डिफ्लेशन अपोजिट होता है, प्राइस क्या होने लगती है, गिरने लगती है, जबकि इन्फ्लेशन में प्राइस क्या होती है, बढ़ती लगती है। अब पॉइंट है एक, आपका रिफ्लेशन क्या होता है, जब प्राइस लेवल इंक्रीज करता है व्हेन इकोनॉमी रिकवर्स फ्रॉम द रिसेशन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन, यानी यहाँ पर क्या होती है, प्राइस लेवल इंक्रीज करती है, व्हेन कब, जब इकोनॉमी रिकवर करती है फ्रॉम रिसेशन से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन। याद रखिएगा कि प्राइस लेवल इंक्रीज करता है व्हेन इकोनॉमी रिकवर्स फ्रॉम रिसेशन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेशन। ठीक है, ये आपका रिफ्लेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारा टाइप है, टाइप में क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है, इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज लो, कितना है, बस 3% है आपके देश में, तो दैट इज कॉल्ड एज अ क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मतलब इतना हानिकारक नहीं होता है, इसको सरकार इसको रोकती भी नहीं है, होने देती है। तो जब आप परसेंट मान लो पूछ दिया तुम्हारे पेपर में कि 3% है इन्फ्लेशन का रेट, दैट इज़ कॉल्ड एज अ क्रीपिंग। ठीक है, क्रीप कर रहा है, रेंग रहा है। नेक्स्ट हमारा है वॉकिंग एंड ट्रॉटरिंग इन्फ्लेशन, तो यहाँ पर आपका जो इन्फ्लेशन है वो मॉडरेट इसका रेट होगा, 3 से लेकर 7% के बीच में तुम्हारा इन्फ्लेशन लाई करेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ वॉकिंग एंड ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, ये हमारा वॉकिंग एंड ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन कहलाता है। रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, तो याद रखना जब तुम्हारा इन्फ्लेशन डबल डिजिट में आ जाए, जैसे तुमने अभी तक क्या देखा कि क्रिपिंग इन्फ्लेशन में 3% तक था, 3 से लेकर 7% वॉकिंग है, मतलब क्रिपिंग इज 3 एंड वॉकिंग इज 3 to 7, है ना, यहाँ पर रनिंग क्या हो जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 10, यानी 10% से ज़्यादा हो जाए, यानी डबल डिजिट कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आ गया है। हमारे देश में क्या है, अभी भी डबल डिजिट इन्फ्लेशन चल रहा है ना, तो रनिंग इन्फ्लेशन पे अगर इस पर सरकार कंट्रोल नहीं लगाती है तो ये हमारा हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो सकता है, और रनिंग इन्फ्लेशन को ही हम लोग गैलोपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ हाई, है ना, यहाँ पर आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। रनवे इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन देख लेते हैं, जिसको रनवे इन्फ्लेशन को हाइपर इन्फ्लेशन भी कहते हैं, डबल एंड ट्रिपल डिजिट में भी देखने के लिए मिलता है, और द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज एक्सट्रीमली हाई, यहाँ पर आपका कभी कभी डबल डिजिट, और जैसे आपका 100% इन्फ्लेशन, 200%, वेनेजुएला का एग्जाम्पल है, आपने वेनेजुएला में देखा होगा कि हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी, तो दैट इज रनवे एंड हाइपर इन्फ्लेशन एंड आउट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है आपका स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के जस्ट आपके अपोजिट क्या आया था, फिलिप्स कर्व आया था। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जब हम इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एक साथ बढ़े, जब इन्फ्लेशन भी बढ़े आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब रिसेशन बढ़ रहा है। ठीक है, कभी कभी समटाइम्स इसको रिसेशन भी लिखता है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, इन्फ्लेशन भी बढ़े और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। और फिलिप्स कर्व में क्या बोला गया कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रेड ऑफ होता है, वहाँ पर फिलिप्स कर्व में तुम देखते थे कि तुम्हारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता था, और अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में क्या होता था, ट्रेड ऑफ होता था, जब आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा रहता था तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम होता था। तो स्टैगफ्लेशन जो आपका वर्ड था उसके जस्ट अपोजिट फिलिप्स ने अपना फिलिप्स कर्व दिया था,
ये पॉइंट याद रखिएगा। मिजरी इंडेक्स क्या है? तो यहाँ पर रेट ऑफ़ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ़ अनएम्प्लॉयमेंट को बताया जाता है आपके मिजरी इंडेक्स में, ठीक है। यहाँ पर रेट ऑफ़ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ़ अनएम्प्लॉयमेंट को बताया जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप, यहाँ पर इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? जब आपकी एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। जब आपका एग्रीगेट डिमांड आपका क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है आपके एग्रीगेट सप्लाई से, तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो दैट फिर आपका धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। और जो ये गैप बता रहा है तो दैट इज़ इन्फ्लेशनरी गैप, और ये कौन से लेवल पे आपका होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होता है। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? डिफ्लेशनरी गैप में एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होती है और आपका एग्रीगेट डिमांड कम होता है। याद रखिएगा कि इन्फ्लेशनरी गैप में इन्फ्लेशन वर्ड है, तो कहीं ना कहीं डिमांड ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि प्राइस ज़्यादा होगा। फिर डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस बात है प्राइस ज़्यादा होगा, फिर सप्लाई आपकी कम होगी, तो दैट इज़ इन्फ्लेशनरी। डिफ्लेशनरी गैप में सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगा। नेक्स्ट हमारा है सप्रेस्ड रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई और गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ राइजिंग प्राइजेस। जब प्राइजेस को जो राइज हो रहा है उसको गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है, बढ़ने नहीं दे रही है, जैसे लोग राशनिंग कर लेते थे तो वो सबको रोकती है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ सप्रेस एंड रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट इसको क्या करती है? सप्रेस करती है। आप सभी को पता है कि अगर आपके देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो इन्फ्लेशन भी उसके साथ साथ चलता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब इन्फ्लेशन चलेगा तो उसको सरकार क्या करती है? सप्रेस करती है, रोकती है। तो एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर दैन एग्रीगेट सप्लाई, तो दैट इज़ इन्फ्लेशन। पर हियर गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ टू राइजिंग प्राइजेस, यहाँ पर अलाउ नहीं करती है प्राइस को राइज होने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सप्रेस्ड एंड रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। तो आप सभी को आई होप सो कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही आप लोग रिविजन सेशन से लगातार जुड़े रहिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, जिससे लगातार हम आपको रिविजन सेशन से छोटे छोटे टॉपिक से वीडियो लेते आएँ। और जुड़े रहिएगा चैनल से। धन्यवाद।